गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज है 22 तारीख और मैं दिल्ली में हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सब लोग नहीं मोस्टली लोग जानते हैं। और दिल्ली में मेरे पास सिर्फ दो दिन बचे हैं, 23 और 24। 24 की रात को मैं चली जाऊंगी दिल्ली और अभी तक मैं थॉर भाई से नहीं मिली हूँ, इनफैक्ट एमसीयू के किसी भी बंदे से नहीं मिली हूँ, क्योंकि यार कुछ इश्यूज चल रहे थे। मैं मम्मी की बीमारी की वजह से आई थी, मम्मी बीमार थी, फिर कभी किसी का प्लान, फिर कभी किसी का प्लान, फिर मेरी खुद की तबीयत। सो बेसिकली मतलब ये समझ लो कि सारी चीजें सॉर्ट करके आज हम सब लोग हो गए हैं फ्री। सब लोग इन द सेंस गुरुजी, थॉर, पिया और मेरे हिसाब से रेडॉक्स वरुण भी है। वरुण का आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखते हैं चल के कितने लोग हैं कितने नहीं। अभी के लिए मैंने यही नाइट के कपड़े पहन रखे हैं, सच बताओ तो नहा ही नहीं हूँ, सिर्फ मुंह धोया है एंड फ्रेशन अप हुई हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। 2:29 हो रहे हैं और 2:50 पे मुझे मेट्रो स्टेशन मिलना है गुरुजी को, उसने ऐसा बोला है। सो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, इवन मेकअप भी नहीं करेंगे, अपना सारा मेकअप बैग में भर लूंगी। अभी तो हम थॉर भाई के यहीं जा रहे हैं, थॉर भाई के यहाँ पे जाके सारा मेकअप करूंगी और फिर उसके बाद आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद थोड़ा सा हिंट में तुम्हें 5 मिनट या 2 मिनट बाद दे दूँ, 5 मिनट का तो व्लॉग ही होगा। सो चलो पहले रेडी होते हैं। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये जो बेज कलर की क्या स्किन कलर की जो जीन्स है, इसके साथ मैं ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का टॉप पहन लूँ, बट आई एम नॉट श्योर इतनी गर्मी में इतना फुल बाजू का टॉप थोड़ा सफोकेटिंग सा ना लगे, बट लेट्स ट्राई। वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी, थोड़ा सफोकेटिंग सा लग रहा है। और ये जो मेरा ये बेली है ना, ये जब मैं ऐसे बैठूंगी ना, ये ऐसे बाहर आ जाएगी तोंद। सो ये पैंट तो सही है बट ये टॉप नहीं, ये पहन लेती हूँ। ये ब्लैक कलर का एक हल्का सा टॉप है, उसके ऊपर ये जैकेट। अब तुम बोलोगे दिल्ली की गर्मी में जैकेट क्यों, दिल्ली में बहुत धूप है सो टैनिंग से बचना है, गर्मी बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन टैनिंग नहीं चाहिए। सो गाइज ये है वो टॉप है ना, लाइक इसके ऐसे बाजू नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर से ये जैकेट डालूंगी। अब बहुत सारी लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि देखो अगर मैंने मेकअप करा ना तो वो मोटा मेट्रो स्टेशन पर फट जाएगा, वो जो मोटा है ना गुरुजी मेरा जो इंतज़ार कर रहा है वो पागल हो जाएगा। सो सनस्क्रीन लगाते हैं फटाक से निकलते हैं। गाइस आई एम ऑल सेट, अंदर पहनी है मैंने ये एक ब्लैक कलर की टी शर्ट जिसको मैं वहां जाके उतार दूंगी, और कोई मेकअप नहीं किया है, कुछ बाल वाल नहीं बनाया, सब मैंने भर लिया है इस बैग में। थॉर भाई के यहीं जाके करूंगी मेकअप, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है और करने का फायदा भी नहीं है, बाहर निकलूंगी धूप में सब खराब हो जाएगा। अभी बस ये पीसी वगैरह ऑफ कर दूं उसके बाद निकलते हैं। ये देखो व्लॉग बनाते बनाते ऊपर गुरुजी का फोन है, रुको गाइस बात करने दो इस मोटे से। गाइस मैं सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच तो गई हूँ और वो जो बेवकूफ मुझे इतने फोन कर रहा था ना, वो खुद नहीं आया अब तक। और ये देख रहे हो ये एस्केलेटर चल ही नहीं रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है। कह तो रहा है कि मैं ऑपोजिट साइड उतरूंगा, पता नहीं कहाँ उतरेगा। रुको फोन आ रहा है उसका, जब ब्लॉग बनाती हूँ तब फोन आ जाता है। सो गाइस फाइनली मोटा हमें मिल गया है ना, जब भी ब्लॉग बना रही थी तभी तेरा फोन आ जाता था, जैसी मैं कह रही थी गाइस गुरुजी अब ऐसे ढूंढना पड़ेगा यहाँ है वहाँ है, तुम्हें गुरुजी का फोन। वैसे गाइस एक चीज मैंने अभी नोटिस करी है, ठीक है, क्योंकि जब ये आया तो इसने ब्लॉग स्टार्ट कर रखी थी, पर एक चीज मैंने नोटिस करी कि ये काफी पतला हो गया है। देखो चले मेट्रो भी आ गई, चलो अभी मेट्रो में चल के तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेट्स गो। सो गाइज मैं तुम लोगों को मेट्रो में एक बात बताने वाली थी, लेकिन मेट्रो में बहुत भीड़ थी और हम दोनों भी बात करने में बिजी हो गए थे, काफ़ी जमाने बाद लवर मिले हैं ना, तो बहुत बातें थी जो अधूरी थी, तो वो बातें करते करते भूल गई। मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि पतला कितना हो गया, थोड़ा स्लो चल मैं तेरे को आगे से, ये लिटरली बहुत पतला लग रहा है। और पता क्या कह रहा है कि मैं 5 किलो वजन घटाया हूँ, बस 5 किलो तो ऑनेस्टली नहीं लग रहा है, बट हाँ ठीक है यार, मोटापे से बीमारियाँ ही आती है, मोटापे से बीमारी आती है और पतलेपन से क्या होता है देखो। लेकिन अच्छा लग रहा है यार, ये मतलब महंगा फोन पहली बार। गरीबों के हाथ में कांग्रेचुलेशन फोन के लिए, बोला नहीं मैंने। अरे तो पता है क्या, इसने जिंदगी में इतना बड़ा फोन पकड़ा तो है नहीं, तो जब इसने पकड़ा ना तो इसने गवारों की तरह ऐसे ऊपर कर लिया, अब पीछे वाले सारे लोग देखने लगे कि बहनचोद पहली बार फोन पकड़ा है क्या, मतलब सामने से लोग बनाओ ऊपर फोन बनाता है। पहले सुन तो लो मेरी बात, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। वो बोला लड़का तेरे को ही घूर रहा है जो चश्मे वाला, अभी भी उसने भी लेगा क्या पता नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जब हम घर पे व्लॉग बना रहे थे इसके कितने फोन आ रहे थे, और इससे पहले मैं पहुंची हूँ यहाँ, चांटा मारूंगा। मैं मेट्रो में था, मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मेट्रो में बैठा और मेट्रो चल नहीं रही है। अरे भाई मेट्रो चल भी रही है, मैं आ भी रहा हूँ। हाँ तो तेरे से पहले मैं सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पहुंची, समझ रहे भाई। और अभी हम जा रहे हैं एक लड़की को लेने जिसका नाम है वैष्णवी, तुम लोग जानते हो उसको नवी नाम से, नहीं जानते तो आज मिल लोगे। वैसे वो थोड़ा चिल्ला रही है कहाँ हो, तो जब वो ठंडी हो जाएगी ना तब तो उसकी क्लिप बनाएंगे। नहीं तो पता चलेगी, बोले वैंचो आते ही क्लिप बना रहे हैं। चलो जिस नवी की हम बात कर रहे थे गाइज आ गई है वो नवी। यार तुम्हें गर्मी नहीं लग रही बाल खोल के, मुझे तुम्हें देख के गर्मी लग रही है, देख रहे हो
आंटी वाले एकदम हालात हो गए मेरे, एकदम बाल वाल ऊपर बांध के, है ना, घर से निकलने के पहले ऊपर से अपने आप को ढकने के लिए जैकेट पहनना, क्योंकि अश्लील लड़की नहीं है हम जो कुछ भी पहन के निकल। देखा कैसे है? हाँ भाई एक मिनट रुकिए, ये लड़के देख रहे हैं। सो गाइस तेरे तो कर भी नहीं सकता कि दोस्त भी नहीं। उस साइड से लोग देख रहे थे इसलिए मैंने कहा उस साइड से देखो। तो गाइस हम इनकी तरह नहीं है, बिना बुरा पैंटी के निकल जाएं घर से, इसलिए हम जैकेट वैकेट पहन के निकलते हैं, समझ रहे हो? तीन प्रोटेक्शन है गाइस। नीचे कमेंट करो हमें देखना, हमें भरोसा नहीं है। नीचे कमेंट करो कि हमें भरोसा नहीं है, हमें देखना। चलो यार अभी हम वेट कर रहे हैं, इसकी बातें इग्नोर करो, अभी हम वेट कर रहे हैं थोर भाई का और ये बकचोद। अभी हम गेट नंबर 2 पर हैं, पर हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि थोर भाई यहीं आएंगे और हम यहीं से जाके ना, ये देखो क्या कर रहा है, ये देख क्यों खड़ा है, ब्लर हुआ नहीं हुआ? अबे मेरे कैमरे पे पानी, तेरे बाप दादा ने इतना महंगा फोन नहीं खरीदा साले, हाथ दूर रख। तो गाइस चलो थोर भाई को आने दो, फिर क्लिप को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? गोवा वाटर कहाँ है मेरा? ये देखो चार लोग दिखे नहीं वैन पे, थपरी ब्लॉगर ब्लॉग लेके स्टार्ट हो गए, फोन स्टार्ट करके जहाँ चार लोग दिखते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। चलो करंटली हम लोग यहाँ पे गुड़गांव आए हुए हैं किसी दो मॉल में, एंड ये लोग कर रहे हैं पिज्जा ऑर्डर, क्योंकि कोई भी खा के नहीं आया है, सभी लोग रुक के आए हैं। देखो पहले ही यहाँ बैठे थे, अभी हम वहाँ बक गए। इन लोगों के साथ में कभी आना ना हराम है, ऊपर से गुरु जी इतना गवार है ना, ये सारा सारा दिन है। पिया और गुरु जी करने गए थे ऑर्डर, और थोर भाई तो खाएंगे नहीं क्योंकि थोर भाई के पेट में हो रही है थोड़ी सी दिक्कत, बहुत गर्मी है, दिखने में इतना अच्छा सा रेस्टोरेंट लग रहा है ना, बहुत गर्मी है और ऊपर से एसी तेज भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मॉल का फिक्स एसी है, नहीं तेज हो सकता। हाँ क्या क्या ऑर्डर कर क्या है? रोटी के ऊपर चीज डाल के देते हैं वो, और रहेगा तो गवारी है, अपने आप को शेफ बोलता है। कितने कर रहे हैं? क्यों ऐसा मरा मरा सा क्यों हो रहा है? अभी तो बड़ा एक्टिव था। उधर थोर भाई का भी पेट खराब है। सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं हमारे पिज्जा, जिसमें से एक ये वाला मैंने खाना है और ये इन लोगों के हैं। थोर भाई का इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि उनका पेट खराब है, ये सुन रहा है गाना जो कि वैम्पायर का आने वाला है 30 तारीख को। तो कोई भी व्लॉग में यहाँ तक आ गया है तो 30 तारीख को इसका गाना जरूर सुनने लगा। वैसे ये गाना सुनते हुए चूतिया लग रहा है, पर चलो ठीक है यार। ये एक एक मेरा था तो ये मेरी तरफ कर दो, ये कोई ले लो, ये मेरे से। हाँ गुरुजी पास है फेल है, टेस्ट करके बताओ पास है फेल है, चैलेंज आते हैं ना यूट्यूब पे पास फेल। अरे मैं तो बड़ा गर्म है, गाने सुन रहा है, फुल इशारे में बातें कर रहा है, देख कैसे ठोकेगा, देख देख हराम का खाना कैसे डालता है ये। ये आ गई हम लोगों की कोक, पिया ने लेमोनेड मंगाया, बाकी सबने कोक मंगाई है। लेमोनेड नहीं था सबके लिए कोक है, और अगेन थोर भाई के लिए कुछ नहीं। थोर भाई कुछ तो खा लो, नहीं सच में कुछ तो खा लो, लेमोनेड तो नहीं है, कोक नहीं। अभी मैंने अभी अभी खाना आया तो मुझे फील हुआ कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो बेसिकली अभी हमने खाना वाना खा लिया है, खाना क्या पिज्जा खा लिया है, और अब लड़कियां गई हैं वॉशरूम, लड़की जो दो हैं नवी और पिया गए हैं वॉशरूम, और हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ठंडा वंडा लेने आए हैं। वैसे तो कोक थी पर ऐसे च्युइंगम व्युइंगम कुछ लेने आए हैं ताकि मुँह चलता रहे। उसके बाद हम लोग जाएंगे वो जो टेम्पल इन पार्क होता है वो, ये लोग गए हैं अंदर, एंड अभी ये लोग जब लेके आ जाएंगे उसके बाद अपन जाएंगे टेम्पल इन पार्क। अगर वहाँ पे जंपिंग जंपिंग का सिर्फ कुछ होगा तो फिर छोड़ देंगे, कुछ गो कार्टिंग जैसा कुछ होगा तो जरूर जाएंगे। हमेशा एक ही पोज में फोटो लेगा, एक ही स्माइल में फोटो लेगा। जैसे गाइस देखो अच्छे लग रहे हैं ना हम सब, गुरु जी अच्छी लगी हो ना मैं, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊँ तो यार ये क्या करने आ गए अच्छा। एलेक्सा वाला तो करते आओ ना गुरु जी। कौन सा वाला? देख एक ही स्माइल, इसके पास एक ही स्माइल भाई, है भाई। तो लोगों पे फेक स्माइल होती है, मेरे पे एक ही स्माइल है। कर ले तू पहले ये बना ले, तेरा बगल के बाल दिख रहे हैं भाई। यार क्या है यार ये, मेरे मेरे बगल के बालों की बेइज्जती कर रहा है। मेरा फोन लेके फटाफट से इसने एयर ड्रॉप से अपनी सारी फोटो ले ली है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो फोटो में कितना बढ़िया आता है ये, और ऐसे देखना है कैसा है। तेरे को शर्म नहीं आती है 14 प्रो मैक्स से लेके फोटो डालता है और दूसरों को चूतिया बनाता है? किसको बनाया मैंने?
हम जिस चीज के लिए आए थे टेम्पोलिन पार्क, वो तो सिर्फ चूतिया सा पार्क है, 700 रुपए एक घंटे के भरने हैं, और रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ झूले हैं जिन पे कूदना है, मतलब कूदेंगे भी हम और पैसे भी हम देंगे, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए अभी हम जा रहे हैं गो कार्टिंग करने, जो कि यहाँ करीब 11 किलोमीटर दूर। ऑटो पकड़ते हैं अभी एक एक छपरियों की तरह, क्योंकि उधर से तो हम कैब में आ गए वीआईपी बन के, अब इधर से हम जाएंगे अपनी औकात में ऑटो में। अरे वो कहाँ है वो लड़का जो गाड़ी लेके आने वाला था? चिराग। लेकिन कितने ही राउंड मारेगा। तो अभी हम पकड़ेंगे ऑटो और जाएंगे गो कार्टिंग करने, और वहाँ लगाएंगे रेस एक दूसरे से, और जो जीतेगा उसे तौर पर देंगे 10,000 रुपए। तो चलो यार चलते हैं। वैसे मैंने तो कभी नहीं करी है गो कार्टिंग, अगर हो जाए आज तो मजा आ जाए। फाइनली गो कार्टिंग पे आ गए हम। बहुत सारी मुसीबतों के बाद फाइनली हम ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे हम एक्चुअली में पहले जाना चाहते थे। ये रहे सब लोग, अब ये लोग जा रहे हैं टिकट वगैरह लेने, देखते हैं क्या प्राइजेस है, क्या चार्जेस है, कितने राउंड के, एंड देन चलते हैं रेस लगाने। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं 16,600 रुपए में, ज़्यादा बड़े लैप नहीं है पर 16 लैप फिर भी बहुत होते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 1 लैप 20-30 सेकंड का होता है, पर हम तो ठोक ठोक के चलाएंगे। हाँ भाई वैम्पायर भाई चलाइए, पहले कभी तो पहले जा रहे हैं 4 लड़के, उसके बाद जाएंगे 3 लड़कियाँ, मतलब एक साथ नहीं जा सकते थे सातों, करना हम सातों रेस लगाते, पहले 4 लड़के फिर 3 लड़कियाँ। मैं ट्रैक दिखाती हूँ रुको, ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा ट्रैक तो नहीं है बट फिर भी मोर देन इनफ है, 16 लैप बहुत होते हैं यार। ये है वो बीच में कुछ तो अलग सा गेम है, वो नहीं करेंगे। अरे वो बीच में कैफे लग रहा है यार। हाँ कैफे ही है। ये है वो कार जो चलाएंगे हम, पबजी मोबाइल की बग्गी लग रही है, प्योर बग्गी लग रही है ना। अभी ये लोग करेंगे रेस, पहले लड़के फिर जाएंगे लड़कियाँ। इसे देखना कितना सेक्सी लग रहा है, ये देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है। ये लोग आ रहे हैं, हम लोगों को जाना है करीब यहाँ पे। ये है वो ट्रैक भाई, मजा आ जाएगा, फुल मजा आ जाएगा, देखना कितने सेक्सी लग रहे हैं। क्या हो गया? क्या बोलो? क्या देखना? क्या मेरे पास कुछ और नहीं है? Let's go guys, bye bye. आगे तो गाइस हो गया हमारा गो कार्टिंग, सबने कर लिया अपना अपना एंजॉय, काफी मजा आया। 16 राउंड तो खैर कम थे हैं गुरुजी, 16 लैप तो कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। और ऐसा भी हमें फील हो रहा है किसी किसी ने ज्यादा लैप मारे हैं, किसी किसी ने कम मारे हैं। जैसे हमें पिया का कम लग रहा है क्योंकि पिया को हमने बहुत बार ओवरटेक किया और साथ में खत्म कर दिया उन्होंने। अगली बार से ना हम लैप 9 मिनट मारता है, सही बताऊं? हाँ 9 मिनट बम्पर, लेकिन ये भी हमने शायद चलाया है 5 मिनट तो चलाया है, डबल हो जाता ना फिर 9 मिनट, हमें एक्सपीरियंस नहीं था ना। एनीवेज बहुत मजा आया। अगली बार आएंगे ना तो दो चीजें करेंगे, एक तो मिनट वाला करेंगे, दूसरा अपने लैप गिनेंगे, अगर लैप वाला किया भी तो जस्ट इन केस है ना। अभी नवी ने तो मस्त ड्रिफ्ट मारे हैं, मैंने तो बहुत मस्ती, एक ब्लू वाले लड़के से कंपटीशन कर रही थी नवी। चलो यार देखते हैं अब कहाँ जाना है, कुछ खाते पीते हैं, बहुत सर दर्द हो रहा है, प्यास लग रही है बहुत। गाइस हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ये अपने ऑटो से उतर के आके पिया के साथ खेल रहा है, बल्कि इसका ऑटो आगे वाला है और ये हम ट्रैफिक में फंसे हैं। चलो गुल ट्रैफिक खुला, गुरुजी भगा। क्रॉप टॉप, हेलो फन टाइम, क्रॉप टॉप पहन के आए हो? निप्पल दिख रहे हैं, निप्पल। बकचोदी होगी पता क्या, यहाँ पे पानी पानी चाहिए, पानी नहीं गिरा है, अच्छा पानी चाहिए। अरे उसी कर रहा तो बैठ जा, बेलाया तो नहीं तो बात तू उसमें वो कूलर गया कि कूलर गया? चुप 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 चुप, इसका बंदा भी बहुत दूर है।